प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए आज नवी दिल्लीना भारतीय कृषि संशोधन संस्थान में ग्लोबल मिलेट्स एटले के श्री अन्न सम्मेलन उद्घाटन कर्यू हतुं। आ सम्मेलन ने संबोधन करता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए जणाव्युं हतुं कि भारतना प्रस्ताव अने प्रयासों बाद संयुक्त राष्ट्रए वर्ष 2023 ने आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष तरीके जाहिर कर्युं छे। तेने सिद्धि सुधी पहोंचाडवानी जवाबदारी पण एटली ज महत्वनी छे। તેમણે ઉમેર્યું કે વિશ્વ જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષની ઉજવણી કરી રહ્યું છે ત્યારે ભારત આ અભિયાનની આગેવાની કરી રહ્યું છે। આમાં મોટા ધાનની ખેતી, તેની સાથે જોડાયેલી અર્થવ્યવસ્થા, આરોગ્ય ઉપર તેનો પ્રભાવ, ખેડૂતોની આવક, આવા અનેક વિષયો પર અનુભવીઓ અને વિદ્વાનો પોતાના વિચારો રજૂ કરશે। જબ મિલેટ શ્રી અન્ન કા માર્કેટ બઢેગા तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है।